डॉक्टर परिवार लूट मामले का खुलासा। 5 आरोपी गिरफ्तार। मुरादाबाद के थाना मेनाठेर इलाके में एक सप्ताह पूर्व डॉक्टर परिवार को बंधक बनाकर की गई लूट की घटना का आज पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके पास से लूटे गए जेवरात और नकदी बरामद की है। मेनाठेर थाने से महज 100 मीटर दूर एक डॉक्टर को परिवार सहित उनके घर में देर शाम ही हथियारों के बल पर बंधक बनाकर लाखों रुपए की लूट को अंजाम दे दिया था, जिसके बाद से मुरादाबाद पुलिस में हड़कंप मचा हुआ था। घटना के दिन एसएसपी सहित पुलिस के आला अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंच गए और उनके निर्देश पर कई टीमें बनाकर पूरे मामले की जाँच की जा रही थी, जिसमें मेनाठेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पीड़ित परिवार का एक रिश्तेदार ही इस लूट को अंजाम देने वाला निकला, जिसने अपने अन्य 4 लोगों को साथ लेकर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने डॉक्टर के रिश्तेदार राकेश से जब इस बाबत पूछताछ की तो उसने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस इस लूट मामले में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके पास से लूटे गए जेवरात और लगभग 3 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की है। एसपी देहात विद्यासागर मिश्रा ने इस खुलासे पर जानकारी देते हुए बताया कि राकेश नाम के आरोपी को प्रधानी का चुनाव लड़ाना था, जिसके लिए उसने डॉक्टर परिवार को अपना शिकार बनाया। जैसा कि आपको जानकारी है, 10 तारीख की रात्रि में थाना मैनाठेर में डॉक्टर जयवंत सिंह के घर में अज्ञात बदमाशों द्वारा घुस करके लूटपाट की गई थी। सोना चांदी के जेवरात, कैश और उनके साथ मारपीट भी किया गया था। इस संबंध में उनके द्वारा दिए गए तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया और हमारी टीम एसओजी और थाना मैनाठेर की टीम हमारे एसपी साहब के नेतृत्व में लगातार प्रयास कर रही थी और कल रात में 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। हमें जानकारी थी, कुछ सूचना भी मिली हुई कि कुछ लोग आ रहे हैं पुनः वारदात करने के लिए। 5 लोगों से जब हमारी पूछताछ हुई तो उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 10 तारीख की घटना में हम सम्मिलित थे और हमारे द्वारा इस तरह की घटना की गई है और उन्हीं की निशादेही पर लूट के जेवरात और कुछ ऐसे माल थे जिनको उन्होंने बेच दिया था, उससे प्राप्त धनराशि बरामद हुई है। बरामद करने में पूरी तरह से एसपी सिविल लाइन्स एसओजी टीम और थाना मैनाठेर की टीम रही है और इस घटना के पीछे जो प्रथम दृष्टया हम लोग जब गए थे उसी समय पता चल रहा था जैसा परिस्थितियों को देखने से कि कोई नज़दीकी व्यक्ति है, तो इस घटना में एक 57 वर्षीय राकेश हैं जो इनके दूर के रिश्तेदार हैं। ये पहले थाना हजरत नगर गढ़ी से एक हत्या के मुकदमे में जेल जा चुके हैं और इन्होंने इन 4 लोगों को बुला करके इस घटना को अंजाम दिया और कल पुनः किसी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे थे। जब इनसे विस्तृत पूछताछ की गई तो इनके द्वारा ये बताया गया कि इनको ये जानकारी थी कि इस घर में वृद्ध डॉक्टर दंपत्ति रहते हैं और इनके पास पैसा काफ़ी है और इनका उद्देश्य ग्राम पंचायत के जो आगामी चुनाव है प्रधानी का चुनाव लड़ना था और उसके लिए ये पैसा जुटाने के लिए इस प्रकार की लूटपाट की घटना इन्होंने कार्यक्रम। राकेश एक बार जेल जा चुके हैं अपने गाँव में एक हत्या के मामले में। अन्य 4 में एक के खिलाफ आर्म सेट का अभियोग है और बाकी के बारे में हम जानकारी कर रहे हैं, क्योंकि 3 तो इनके गांव के ही हैं और 2 लोग हैं, एक इसमें बदायूं का है, कोई गाजियाबाद में पड़ता है। और देखिए, जो वादी के द्वारा बताया गया था उनके आधार पर उनके जेवरात अभी मतलब अभी हमारी बातचीत हुई रात में भी, तो उनका ये कहना है कि अभी हमारे जेवरात पूरी तरह बरामद नहीं हुए और हमारी अभी भी टीम सक्रिय है बरामदगी के लिए। तो कुछ कीमत के बारे में, बरामदगी हमारे पास करीब 3,66,000 रुपये और उन्होंने अपने द्वारा पहचाने अपने जेवरात, कीमत का आकलन अभी इस स्तर पर किया जाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बरामदगी है और उनको संतुष्ट करने का हमारे द्वारा प्रयास किया गया। चूँकि मुलजिम का टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होना है, इस वजह से हम उसके चेहरे को आपके समक्ष नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे, आप उनका फोटो ले सकते हैं।